सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम कुमार त्यागी, एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर एग्ज़ाम क्रैकर पर। लास्ट टाइम हमने बात की थी, याद होगा आप लोगों को, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। और मैंने कहा था कि ग्रोथ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो और सस्टेनेबल ग्रोथ हो, इनको एक एक करके हम समझेंगे। जिसमें से आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। हेडिंग डाल लीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। मैंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति विशेष का हमें या व्यक्ति विशेष का हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, यानी आर्थिक समृद्धि, उसे उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, तो उस व्यक्ति के पास वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसे ही देश विशेष को लेकर भी मैंने कहा था कि यदि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो उस देश में वस्तुएं और सेवाएं क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। और ये उपलब्धता बढ़ती तब है जब उस देश में, उस अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, उत्पादन बढ़ता है। और मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि मोदी जी जब कह रहे हैं मेक इन इंडिया आओ भारत में बनाओ, तो बनाओ क्या, वस्तुएं और सेवाएं। और जब देश में वस्तुएं और सेवाएं बनेंगी तो एक तरफ देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ आने के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ भी आएगा, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्त समावेशन छुपा हुआ होगा, सभी को पैसे की उपलब्धता, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार की उपलब्धता भी वहां पर होनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। इतनी बात हमने कल की थी। आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप लोगों ने, मैं जानता हूं कि हेडिंग डाल चुके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक फॉर्मूला लिख लीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट GDP रेशियो डिवाइडेड बाई ICOR। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि बराबर इन्वेस्टमेंट GDP रेशियो, निवेशित GDP अनुपात डिवाइडेड बाई ICOR। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में एक चीज समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, इन्वेस्टमेंट GDP रेशियो के, और वित्तकुर्मानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ICOR के, ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के। यानी यह पता चल रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की GDP में इन्वेस्टमेंट का रेशियो, निवेश का अनुपात बढ़ता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होता है, बढ़ता है। या साधारण सरल भाषा में ये कह सकते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, आपको पता है। और उत्पादन बढ़ने का मतलब ही क्या हुआ, देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आना, वही मैंने बताया। लेकिन यदि ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब है यहां टेक्नोलॉजी से, यदि किसी अर्थव्यवस्था में तकनीक की बढ़ोतरी की जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट क्या, निवेश करने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसका अनुपात, उस पूंजी का, हमने आउटपुट के लिए जितना निवेश किया, अगर निवेश बढ़ा रहे हैं लेकिन आउटपुट के लिए बढ़ा रहे हैं और आउटपुट में हमने तकनीक का कम से कम इस्तेमाल किया है, तो ICOR की वैल्यू खुद पे खुद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ICOR की यानी कैपिटल बढ़ जाएगा, पूंजी बढ़ जाएगी। जैसे कि मान के चलते हैं, एक बुधई है और एक अंबानी है। बुधई एक शर्ट बनाते हैं, किससे बनाते हैं, कुटीर उद्योग का इस्तेमाल करके, यानी हाथों से बुनकर उनके लगे हुए हैं और वो शर्ट बना रहे हैं। और एक तरफ अंबानी है, वो भी शर्ट बनाते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। बुधई जो शर्ट बनाना शुरू किए, उन्होंने प्राइस रखा शर्ट का 100 रुपए। अंबानी ने, क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल किया होगा तो पहली बार हो सकता है खर्चा उनका ज्यादा आया हो, उनका खर्चा आया एक शर्ट बनाने में लागत, क्योंकि इस समय पहली बार क्या हुआ, इंक्रीमेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, तकनीक खरीदने में खर्चा उनका गया, इसलिए उन्होंने एक शर्ट का दाम रखा 140 रुपए। किसकी बिकेगी, बुधई की बिकेगी। लेकिन इन फ्यूचर
ये हमेशा 100 रुपए की रहेगी और दाम इसके बढ़ सकते हैं, लेकिन यहां एक बार टेक्नोलॉजी परचेज करने के बाद दाम क्या हो सकते हैं, घट जाएंगे। जैसे ही घटेंगे तो अब बिकनी किसकी शुरू हो जाएगी, अंबानी की बुधई की शर्ट नहीं बिकेगी, क्योंकि एक तो ये कुटीर उद्योग का इस्तेमाल करके बनाई गई है तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं होगी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई है तो शर्ट एक तो ज्यादा बनी होंगी और दूसरा सस्ती भी होंगी, तो बिकेगी किसकी, इसकी। तो जहां पर इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहता है, कम रहता है, और जहां पर इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो कम रहता है तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वहां पर आर्थिक समृद्धि खुद पे खुद आना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो एक एक करके सबको समझेंगे, पहले समझते हैं ये वाला सेक्शन, हेडिंग डालिएगा इन्वेस्टमेंट निवेश, इन्वेस्टमेंट निवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में मान लीजिए भारत सरकार को निवेश करना है, क्योंकि जीडीपी में जब निवेश का अनुपात बढ़ता है तभी हम कह सकते हैं उस देश में क्या आती है, आर्थिक समृद्धि आती है, जैसा कि हमने अभी समझा। तो हेडिंग डालिएगा निवेश, इन्वेस्टमेंट निवेश, यानी हमें किस लिए लाना है निवेश, किस लिए करना है, जिसमें जिससे देश में आर्थिक समृद्धि आए। तो निवेश करने के दो तरीके, एक फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजार से हमें पैसा लेकर क्या करना है, निवेश करना है, और एक फ्रॉम फॉरेन मार्केट, विदेश बाजार से। एक घरेलू बाजार से पैसा लेकर हम निवेश कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अपना अपना ग्रोथ करना है, निवेश करना है, कंपनी बनानी है, तो निवेश करने का एक तरीका हुआ कि अपने घर से पैसा लेकर लगा दिया, एक हुआ दोस्तों से उधार लेकर पैसा लगा दिया, बात समझ में आ रही है। लेकिन घर से पैसा उतना ही लिया जाएगा जिससे समस्या उत्पन्न ना हो, क्राउडिंग आउट की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। अब एक नया शब्द आया क्राउडिंग आउट, देख लेते हैं क्या है। पहले तो घरेलू बाजार में समझ लेते हैं, घरेलू बाजार में कौन कौन शामिल है, पहली बैंक्स, दूसरा म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, तीसरा MFIs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, चौथा कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब शामिल हैं, ये सब शामिल होते हैं किसमें, डोमेस्टिक मार्केट में। और एक और होते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर असंगठित क्षेत्र। तो पहला क्या हुआ, बैंक हमारे, दूसरा म्यूचुअल फंड्स, तीसरा मैंने बताया माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सूक्ष्म वित्त संस्थान, तीसरा इंश्योरेंस कंपनीज बीमा क्षेत्र से संबंधित कंपनियां, और लास्ट वन बताया मैंने अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स असंगठित क्षेत्र। बैंक में आपको पता है मेनली जो बैंक आते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं, अभी दो तरह के बैंक और इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट को समझेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे कि बैंक होता है एक कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी हम इसे कहते हैं, दूसरा होता है कॉपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक भी कहते हैं हम इसे, कॉपरेटिव बैंक, और लास्ट वन इज रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, ठीक है, रूरल बैंक्स। इन तीन में डिफरेंस क्या है ये समझेंगे टाइम पर, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्त समावेशन में पढ़ा रहा हूँगा, यहीं से जब हम वित्त समावेशन में जाएंगे। तो इन बैंकों से मेन बैंक होते हैं डोमेस्टिक मार्केट में जो अपना रोल अदा करते हैं, यहां पर ये समझ में आए होंगे। लेकिन अनरिकॉग्नाइज सेक्टर म्यूचुअल फंड एजेंसीज आप जानते होंगे, ये शेयर मार्केट को लेकर चलते हैं, देखेंगे इसको भी। सूक्ष्म वित्त संस्थान वो संस्थान होते हैं जो स्वयं सहायता समूहों को लोन देते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पर कह सकते हैं लोन देते हैं और आसानी से लोन उपलब्ध कराते हैं, किसको, स्वयं सहायता समूहों को। एक नया क्वेश्चन आ रहा है स्वयं सहायता समूह क्या है, ये भारत में 10 से 15 महिलाओं का एक समूह देखने को मिलता है, समझेंगे टाइम आने पर। बीमा क्षेत्र को समझेंगे कि बीमा दो प्रकार का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक जनरल इंश्योरेंस होता है, सामान्य बीमा होता है। जीवन बीमा और सामान्य बीमा में अंतर ये होता है कि जनरल इंश्योरेंस जो होता है उसमें टाइम पीरियड अप होने पर या कह सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड होने पर रिटर्न कुछ नहीं मिलता, और उसमें रिटर्न मिलता है तो उसमें लायबिलिटी कंपनी की बढ़ जाती है, तो वो इंश्योरेंस क्षेत्र को हम डिटेल में समझेंगे। अनरिकॉग्नाइज सेक्टर का मतलब होता है, आपने देखा होगा गांव में मनी लेंडर जो साहूकार काम करते हैं वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र में पैसे की उपलब्धता कराते हैं आम जनजीवन को, तो वही पैसे की सप्लाई इन सबसे होती है। मेनली बैंक्स मेन सप्लायर होते हैं,
इसमें कुछ नए बैंक भी ऐड किए गए हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम भुगतान बैंक का, पेमेंट बैंक्स का, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या पेटीएम हो गया। दूसरा एक और आया स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूक्ष्म वित्त बैंक, और ये बैंक क्या हैं, कैसे हैं, वो समझेंगे टाइम पर। अभी जो जरूरी है, मैं ये कह रहा था कि घर से पैसा आपको अगर निवेश करना है, अपनी समृद्धि लानी है, निवेश करने के लिए कंपनी बनानी है, तो आप पहले या तो अपने घर से उठाएंगे या दोस्तों से मांगेंगे या दोनों से लेंगे। लेकिन घर से पैसा उतना ही उठाया जाएगा जिससे फ्यूचर में परेशानियां उत्पन्न ना हो, भविष्य में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो, केवल इतना ही पैसा उठाया जाएगा। इतना समझ में आया होगा। इससे आगे की कहानी हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। जैसे कि यहां पर अभी से जोड़ रहे हैं कहां से, देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इससे जुड़ी होती है कौन, आरबीआई, और इससे जुड़े होते हैं कौन, कॉमर्शियल बैंक्स। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन है, आरबीआई, और कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक या व्यापारी बैंकों का भी बैंक कौन है, आरबीआई। मान लीजिए भारत सरकार को निवेश करना है, तो निवेश करने के लिए पैसा मांगने कहां जाएंगे, आरबीआई के पास, और आरबीआई पैसा कहां से उठाकर देगा, कॉमर्शियल बैंक से। कॉमर्शियल बैंक के पास पहले 100 रुपए थे, अभी मार्केट में डिमांड 80 रुपए की थी, लेकिन भारत सरकार को अचानक से 50 रुपए का निवेश करना है, पैसे की जरूरत पड़ी, यहां से पैसा उठाया, किसको दे दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो यहां पर पैसा कितना बचा, केवल 50 रुपए, और डिमांड कितनी, 80 की। जब सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, तो इंटरेस्ट रेट क्या था, कम था, ब्याज की दरें कम होगी। मान लीजिए मार्केट में 100 आलू है और खरीदने वालों को केवल 80 आलू चाहिए, तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो आलू के दाम क्या रहेंगे, कम। लेकिन अब क्या हो गया, बैंक के पास पैसा कम बचा और मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, और जैसे ही ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो लोग लोन लेने से कतराना शुरू कर देंगे। लोन लेने से कतराएंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड यानी मांग कम होगी तो उत्पादन घट जाएगा, और उत्पादन घट जाएगा तो जो ये किया जा रहा है इस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट निवेश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी देश में आर्थिक समृद्धि में कमी आएगी, साथ में रोजगार की उपलब्धता में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा पूरा। इसलिए डोमेस्टिक मार्केट से केवल उतना ही पैसा उठाया जाएगा जिससे कोई परेशानी, यानी क्राउडिंग आउट की, मैंने एक नाम लिया था क्राउडिंग आउट की, सिचुएशन क्रिएट ना हो। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है क्राउड का आउट होना। आप बताइए बैंक में कब लोन लेना पसंद करेंगे, आप बैंक में या बैंक से लोन लेना कब पसंद करेंगे, जब बैंक अपने ब्याज की दरें क्या रखेगा, कम रखेगा, सीधा सरल सा जवाब है। लेकिन यहां पर ब्याज की दरें क्या हो गई, बढ़ गई, तो जैसे ही ब्याज की दरें, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपको देखने को मिलेगा कि लोग लोन लेने से कतराना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, लोग बैंकों में जाना कम कर देंगे। तो इसी को कहते हैं क्राउड का बैंक से क्या होना, आउट होना। क्राउडिंग इन का मतलब जब इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो क्राउड इन होता है बैंक में, और क्राउडिंग आउट का मतलब जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है, ब्याज की दरें ज्यादा रहती हैं, तो क्राउड क्या हो जाता है, आउट हो जाता है बैंक से। दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट की सिचुएशन। आई थिंक सो क्लियर कट सारी चीजें क्या आ गई होंगी, समझ में आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि कॉमर्शियल बैंक्स हो या कोई भी हो, वो उतना ही लोन देंगे जिससे इंटरेस्ट रेट या बढ़े ना, या कह सकते हैं क्राउडिंग आउट की सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्राउड का आउट होने की अवस्था क्रिएट ना हो। क्लियर होगी बात। तो हम कहां जाएंगे अब, फॉरेन मार्केट, दोस्तों से पैसा मांगने जाएंगे, मतलब घर से पैसा उतना ही उठाया जाएगा जिससे घर की स्थिति खराब ना हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अब कहां पर डिपेंडेंट हम होंगे, विदेश बाजार पर। विदेश बाजार से जो पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो तीन तरीके से आता है, एक एक करके सबको समझते रहते हैं। पहला एड के तौर पर, मदद के तौर पर। कैसे, मदद के तौर पर। दोस्त से आपको पैसा मांगना है तो पैसा मांगने के तीन तरीके, एक एक करके सबको बताऊंगा। दोस्त तीन तरीके से आपको पैसा देगा। पहला मदद। मदद में क्या होगा, मदद दो प्रकार से की जाती है, एक को हम कहते हैं ग्रांट, अनुदान, अनुदान, ठीक है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कंसेशनल डेट, या कह सकते हैं छूट पर ऋण। कंसेशनल डेट या छूट पर ऋण, एक एक करके समझ लें इनको। जैसे कि आप दोस्त से पैसा मांगने गए,
कहे कि भाई मुझे एक कंपनी खोलनी है 100 रुपये की, 60 रुपये का बंदोबस्त हो गया है, मुझे 40 रुपये की ज़रूरत है। पर लानत है ऐसी कंपनी पर जो 100 रुपये में खोली जा रही है। मैं तो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 40 रुपये की ज़रूरत है, दोस्त से कह रहे हैं कि मैं 40 रुपये दे दीजिए, मदद कर दीजिए हमारी। दोस्त कह रहा पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं, याद करो वो दिन जब कोचिंग में साथ पढ़ा करते थे तो समोसा हरी चटनी हम ही खिलाया करते थे तुमको, आज हमको पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ 40 रुपये हमें दे दो। दोस्त कह रहा पैसा हा नहीं है। कि नहीं दोगे तो सर पटक पटक कर यहीं जान दे देंगे। तो दोस्त को हो सकता है तरस आ जाए, कहे लो 40 रुपये, लेकिन आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना, हम समझ लेंगे कि तुम्हारे समोसे और हरी चटनी जितने हमने खाए थे उसके दाम ही 40 रुपये थे। दैट इज कॉल्ड ग्रांट, अनुदान, या भीख कह सकते हैं, भीख के तौर पर कुछ पैसा मिलना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रांट, अनुदान, जिसे वापस ना करना पड़े। भिखारी को अगर आप 10 रुपये देते हैं, ऐसा थोड़े भिखारी कल आकर आपको 20 रुपये देगा, नहीं, 10 रुपये ब्याज का हो गया। बात समझ रहे होंगे मेरी, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुदान। तो एक तो मदद होती है फॉरेन मार्केट से किसके रूप में, अनुदान के रूप में। लेकिन दोस्त कह रहा है जिसको पैसे की जरूरत है, अरे हम भिखारी थोड़ी हैं जो तुम हमको ऐसे पैसा दे रहे हो, नहीं, हमको कुछ छूट पर ऋण दे दो। उसने कहा छूट कैसी, तो छूट होती है दो प्रकार की, कंसेशनल डेट भी दो प्रकार से दिया जाता है, एक कंसेशनल डेट एट मार्केट, ये कह सकते हैं मार्केट रेट में कमी लाकर, क्या कह सकते हैं, लो इंटरेस्ट रेट, अवेलेबल एट लो इंटरेस्ट रेट, अवेलेबल एट लो इंटरेस्ट रेट, कम ब्याज दर पर उपलब्धता, या कह सकते हैं कंसेशन इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में क्या हो गई, छूट हो गई, कंसेशन इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। दूसरा पैसा मिलता है कंसेशन इन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या ले आए हम, समय में क्या ले आए, कमी लाकर। मतलब मार्केट में चल रहा है 10% का इंटरेस्ट रेट, दोस्त हो तो तुम्हारी मदद कर देते हैं, 3% के हिसाब से तुम हमें ब्याज देते रहना, उसे हम कहते हैं छूट पर क्या मिल गया, कंसेशन, या कह सकते हैं डेट एट, डेट एट लो इंटरेस्ट रेट, डेट एट या कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है ना, डेट एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, DLR, डेट एट यानी कम ब्याज दर पर ऋण की उपलब्धता। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड, दोस्त पैसा दे रहा है और कह रहा है ठीक है 50 साल बाद लौटा देना, तुम या आप मुस्कुराए अंदर से, यानी लौटाना नहीं है, दैट इज कॉल टाइम पीरियड में क्या मिल गई, छूट मिल गई। तो एड दो प्रकार से भारत को मिलता है, एक ग्रांट और एक कंसेशनल डेट। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सा बढ़िया है, एड मदद मिले तो ग्रांट के तौर पर मिलनी चाहिए या कंसेशनल डेट के तौर पर मिलनी चाहिए, यहां पर कंफ्यूजन हो रही होगी, सर जैसे भी मिल जाए सही है, लेकिन भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि भारत अगर भीख मांगेगा अच्छा लगेगा। एक तरफ भारत को हम कह रहे हैं कि दुनिया की 5th largest इकोनॉमी बन गया है और 3rd largest इकोनॉमी होगा 2027 में, 2050 तक 2nd largest इकोनॉमी, नंबर 1 कौन, चाइना, नंबर 2 कौन, इंडिया, नंबर 3 पर हमने अमेरिका को रख दिया। स्थिति समझ में मेरी आ रही होगी, एक तरफ हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम भीख मांगने लगे, क्या ये अवस्था सही रहेगी, नहीं, हमारी जो डिग्निटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा एक और है, मान लीजिए दोस्त है आपके पड़ोस में रहता है, आपने उससे 40 रुपये ले लिए और उसी के पड़ोस में रहते हैं शर्मा जी, शर्मा जी से आपकी नहीं बनती है, दोस्त की नहीं बनती है लेकिन आपकी खूब बनती है। दोस्त कह रहा शर्मा जी से बात मत करना, वो अच्छे इंसान नहीं है। आप बात करेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है दोस्त आपसे आपको दिया गया पैसा क्या करे, वापस मांग ले, और अगर वापस मांग लेगा तो स्थिति बदल सकती है। बात समझ में आ रही होगी, आप कहां से ला कर देंगे।
तो इसलिए आप उससे बात नहीं करेंगे। तो जहां हम कहते हैं कि हम संप्रभु नेशन है, सोवरन कंट्री है, संप्रभु नेशन का मतलब क्या हुआ, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं। तो अगर यूएसए से हमने पैसे लेकर रखा है तो वो कहेगा रशिया से बात मत करना, रशिया से अच्छे रिलेशन बिल्डअप मत करना, मत बनाना, क्योंकि हमारी नहीं बनती है। और रशिया से अगर अच्छे रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या, विदेश नीति का क्या, विदेश नीति जो आपको अपने लिए अपने हिसाब से बनानी थी, उसमें किसका हस्तक्षेप दिखाई देगा, अमेरिका का दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है कि आप ना तो ग्रांट पर निर्भर हो और ना ही कंसेशनल डेट पर। इतना हो गया होगा, फिर अलग से अभी ये दो टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किए, आज केवल मैं ऐड के बारे में बताने आया हूं आपको। हेडिंग डालिएगा फिर से अलग से, मदद, मदद कैसे की जाती है, अभी ये भी बाकी है। ग्रांट, ये दो प्रकार की मदद होती है, या फिर कंसेशनल डेट, दो प्रकार की मदद होती है। तो आज एड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, मदद कैसे कैसे और मिलती है। एड, एड जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं, लिखते जाइएगा, टाइड एड, टाइड एड, निबद्ध मदद, निबद्ध मदद, ठीक है, निबद्ध मदद। दूसरा होता है अनटाइड एड, अनिबद्ध मदद, अनिबद्ध मदद, या निबद्ध मदद को आप कह सकते हैं शर्त सहित, शर्त सहित, और इसको आप कह सकते हैं शर्त, शर्त रहित, शर्त सहित और शर्त रहित। मतलब आपको मदद तो दी जाएगी लेकिन कुछ शर्त रहेगी। यूएसए कहेगा पैसा तो दे रहा हूं, रशिया से बात मत करना, बात समझ में आ रही है, वहां शर्त लग गई। और एक है शर्त रहित, मदद तो मिलेगी लेकिन कोई शर्त नहीं होगी। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है भारत के लिए। तो आपको लगा होगा कौन सही है, अनटाइड एड, क्यों, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं। यदि भारत को अनटाइड एड ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा फायदे में भारत रहेगा, नो प्रॉब्लम, आप कह सकते हैं कि हाँ रहेगा ही रहेगा, कोई इशू नहीं है इसके। लेकिन टोटल एड का भारत को जो मिलता है वो 70% मिलता है शर्त सहित और केवल 30% मिलता है शर्त रहित। यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा उन देशों का हस्तक्षेप होता होगा जो भारत को शर्त लगाकर क्या दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी। ये मदद भी की जाती है दो प्रकार से, एक को हम कहते हैं, लिख लीजिएगा, बायलेटरल एड, बायलेटरल एड, और एक को हम कहते हैं मल्टीलेटरल एड, या कह सकते हैं द्विपक्षीय मदद। बायलेटरल एड मतलब द्विपक्षीय मदद, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय मदद। द्विपक्षीय मदद का मतलब है कि अमेरिका सीधे तौर पर आपको मदद करे, तो वहां दो पक्ष हो गए ना, एक पक्ष आप हैं, दूसरा पक्ष आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं द्विपक्षीय मदद। और एक मैं बता रहा हूं मल्टीलेटरल एड, यानी बहुपक्षीय मदद। बहुपक्षीय मदद का मतलब बहुत सारे देश मिलकर एक साथ आपको क्या करें, मदद करें, दैट इज कॉल्ड बहुपक्षीय मदद या मल्टीलेटरल एड। ठीक है, हेडिंग डालिएगा बायलेटरल एड कहां कहां से मिलता है भारत को, देख लेते हैं। पहला नंबर लिखिएगा यूएसए, यूएसए, यूएसए से, यूएसए से लिख लीजिए यूएसए। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा जापान, जापान। दूसरा, उससे अगला लिखेगा फ्रांस, फ्रांस। उससे अगला लिखेगा जर्मनी। उससे अगला लिखेगा, उससे अगला लिखेगा ब्रिटेन। पांच देश हैं जो भारत को सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बायलेटरल एड देते हैं, यानी कौन सा, द्विपक्षीय मदद करते हैं। मल्टीलेटरल में लिखिए नंबर वन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इंटर, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इंटरनेशनल आगे काम आने वाला है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अच्छा, कोई जानता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, नहीं सुना होगा, मुझे पता है कुछ बच्चों ने सुना होगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा।
वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है, दुनिया में इस बैंक नाम का कोई बैंक ही नहीं है, और हम क्या बोलकर चलते हैं, विश्व बैंक। ये विश्व बैंक नहीं है कोई, विश्व बैंक क्या है, दो संस्थाओं के मिलने से विश्व बैंक बनता है, जिनमें से एक संस्था क्या है, IDA, और एक है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको नहीं लिखना है यहां पर, IDA लिखना है। तो बहुपक्षीय मदद कौन करता है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। बाकी वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। दूसरा लिख लीजिएगा NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नाम सुना होगा, कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस किया गया NDB को, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, नहीं सुना है, ब्रिक्स का नाम सुना है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांच देशों का ग्रुप है ब्रिक्स। इन पांचों देशों ने मिलकर बनाया है किस बैंक को, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। यह क्या करता है, भारत को बहुपक्षीय मदद करता है, यानी इन चारों देश, अदर इंडिया को छोड़कर जो चार देश बसते हैं, उन देशों के द्वारा इकट्ठा किया गया धन किसको दिया जाता है, भारत को, और वो कैसी मदद होती है, बहुपक्षीय मदद। उससे अगला भी लिख सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये तीन हैं जो भारत को क्या करते हैं, मल्टीलेटरल एड प्रोवाइड कराते हैं। एड, आई थिंक सो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। बाकी के दो पॉइंट बच रहे हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मैं ये बच्चों का कमेंट देख रहा था कि सर रेगुलर नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि बिजी शेड्यूल होता है तो आने में कभी कभी परेशानी होती है, तो आप परेशान ना होइए, एग्ज़ाम से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस आप पढ़ाई करिए, करंट को थोड़ा सा ऐड कर पढ़िए, ठीक है, और मुझसे जो भी हो पाएगा, जो भी बन पाएगा इस चैनल के ज़रिए हम आप तक पहुँचाएँगे, कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी आपको मिले, ठीक है। और ऐसा नहीं है मैं केवल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, यहाँ पर और भी सब्जेक्ट्स को लेकर आऊँगा, जैसे कि बायोलॉजी हुआ या पॉलिटी हुआ, इनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने इस शेड्यूल में, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होती है, थैंक यू सो मच।